नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मैं एग्ज़ाम 30 के प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आपके सामने क्लॉक का पांचवां पैटर्न लेके हाजिर हुआ हूं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे और उसको देखते रहिएगा, ट्रिक सीखते रहिएगा। नए नए क्वेश्चंस मैं बना के ला रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक पर बना के ला रहा हूँ, और आज का टॉपिक क्या कहता है इस पर नज़र डालते हैं। आज का टॉपिक कह रहा है कि 4:12 पर कितना डिग्री एंगल होगा। अभी तक क्या बता दे रहा था कि 0 डिग्री कहाँ बनेगा, किस मिनट पे बनेगा, किस समय बनेगा, 90 डिग्री कहाँ बनेगा, 180 डिग्री कहाँ बनेगा। अब हमारे पास समय दे दिया कि समय पर वो कितना डिग्री बनाएगा। हमारे पास घड़ी है, ये 4 बज रहा है और ये 1 होता है, ये 2 है और 4:12 कह रहा है, तो कम से कम यहाँ कहीं मिनट की सुई होगी। जब यहाँ पर मिनट की सुई होगी तो जो ये एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही छोटा और बहुत ही लाजवाब एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है 11/2 × मिनट, 11/2 × मिनट, फिर ये 30 × R हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 11/2 मिनट को जो भी मिनट दिया होगा, 4:12 बोला है, मिनट मतलब 12 दिया हुआ है, तो चलिए यहां पर हम 12 लिख देते हैं। 11/2 × 12, ये इस साइन का क्या मतलब होता है कोई मुझे बताएगा। इस साइन का मतलब ये होता है, और इस साइन के बारे में भी बताता हूं आपको, 30 × R, R कितना है 4, क्योंकि 4:12 बोला गया था, इसलिए घंटा 4 हो गया, मिनट 12 हो गया, और फॉर्मूला पता था 11/2 × मिनट −30 मिनट। अच्छा, हम बात करते हैं इस साइन की। इस साइन का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि जो वैल्यू बड़ी होगी वो पहले लिख दी जाएगी, जो छोटी होगी बाद में लिख जाएगी, क्योंकि टाइम तो हमारा निगेटिव में आता नहीं है, और जब टाइम निगेटिव में नहीं आता है, सपोज डेट याली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हमारा तो माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, माइनस वैल्यू आएगी, और माइनस में हम वो वैल्यू लेते नहीं हैं, इसलिए हम लोग ये वाला मार्क लगा देते हैं, साइन माइनस का मार्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये साइन हम लोग लगाते हैं। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। देखिए आ गया वही वाली चीज़, तो हम क्या करेंगे, 120 को माइनस कर देंगे, 66 कर देंगे, और शायद आप सबको आंसर पता चल गया होगा कि 54 इसका आंसर है। बट आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर 54 इसका आंसर है तो इसमें एक एंगल तो अभी और बनेगा, एक एंगल अभी और बनेगा, वो अगर ये 4:10 हमारी ये सुई थी तो इसमें क्या एंगल बनेगा, एक एंगल तो ये बना, तो एक एंगल ये बनेगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें जो आंसर आपका आया हुआ है उसको 360 से माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा। तो इसका अगला आंसर 306 होगा, बट ऑप्शन पे हमको सिर्फ यही एंगल दिए हुए थे, इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल नहीं निकालेंगे। ये देखिए आ गया वही जो मैं भी बात कर रहा था, 2:40 क्या होगा, 2:40 में चलिए देखते हैं, ये है 2, ये है 8, 2 में मिनट घंटे की सुई, 8 में मिनट की सुई, जब 2 में घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई 8 में होगी, तब यहां पर क्या आप देख रहे हैं कितना डिग्री बना रहा है,
कह दीजिए सर 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट होते हैं दोनों 2 से 8, बट ये नहीं बनाएगा क्योंकि हमारी घंटे की सुई हल्का सा इस साइड आ जाती है क्योंकि ये आगे बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा, सेम फॉर्मूला हमको पता है, 11/2 गुड़े मिनट कितना दिया हुआ है 40, फिर घंटा 2 दिया हुआ है 30 × 2 कर देंगे, ये 20 हो जाएगा, 220 माइनस 60 कर देंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है, 160 आ रहा है, 160 आ रहा है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, दो ऑप्शन हमने हटा दिया, बट हमारे पास दो ऑप्शन बचा है क्योंकि इसने रिफ्लेक्स एंगल भी पूछा है। हमारी जो ओरिजिनल घड़ी है कैसे बनेगी, वो ये ऐसे होगा और मिनट की सुई कुछ, घंटे की सुई कुछ ऐसे होगी, तो ये अंदर का कोण बन जाएगा, ये बाहर का रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, और रिफ्लेक्स एंगल ही तो इसने पूछा है। और क्या पूछा है, तो हमको भाई साहब पता है जब 160 आ रहा है 360 में माइनस करेंगे तो आपके पास 200 आएगा, तो अगला आंसर हमारे पास 200 है। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आपने बचपन से सीखा है जब इतने बड़े थे, बस वही का यूज करना है, 160 और 200 डिग्री। तो इसका आंसर ये आ गया, तो दोनों को देखना पड़ता है, एक आंसर निकालेंगे तो दो ऑप्शन आपके ऐसे कट जाएंगे। ये आ गया, आ गया, क्या आया, होमवर्क। और होमवर्क करने की तो आपकी आदत थी, जब जब आप 1 साल के थे तब से आप होमवर्क कर रहे हैं, कर दिए फिर होमवर्क, और इसका आंसर मुझे बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज होगा इसमें, यूज दिमाग नहीं होगा, यूज सिर्फ एक ही चीज होगा आपका पेन, डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो इसको ध्यान से आप लोग करिएगा, इसका आंसर मुझे दीजिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे, और आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।